आज मैं बनाने वाली हूँ चकली, जो चावल आटा और बेसन से बनाएंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप चावल आटा लिए हैं और 2 कप ही बेसन लिए हूँ। यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है और 1/2 चम्मच कलौंजी, 1/2 चम्मच क्रश करके अजवाइन डाला है। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और तिल्ली डाला है। व्हाइट वाला तिल्ली नहीं था तो काला तिल्ली डाले हैं। अब इसमें हम ओवन डालेंगे, घी, तेल, डालडा जो भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 चम्मच छोटे चम्मच में तेल डाली हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंथना है। अब यहाँ पर हमारा चकली का डो तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम बनाना चालू करेंगे। इस प्लेट में हम तेल थोड़ा सा लगाएंगे। अब यहाँ पर हम तेल लगाएंगे चकली के सांचे में, जिससे ये चिपके ना। अब इसमें आटे को डालेंगे और इसे हम बनाना चालू करेंगे। अब कुछ इस तरह बनाएंगे। इसे अब हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर हमारा चकली बन गया है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए।